हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग ये सीखेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं और बीम की डिज़ाइनिंग किस तरीके करते हैं हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, और बीम के टाइप्स भी सीखेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी जो WSM होता है, इसके रूल्स रेगुलेशंस या एजम्पशंस ये सब जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो RCC है यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। क्योंकि हमारा जो प्लेन कंक्रीट होता है, प्लेन कंक्रीट जो होता है हमारा, वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लगभग निग्लेजिबल होती है। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर टेंशन फोर्सेस आ रहे होते हैं या टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं, ऐसे प्लेसेस पर अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो हम प्लेन कंक्रीट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करना पड़ता है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ऐसा क्या एक्स्ट्रा हो जाता है प्लेन कंक्रीट के कंपैरिजन में, कि प्लेन कंक्रीट में हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट भी ऐड करते हैं। जब हम लोग जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं उधर साइड हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट लगा देते हैं, तब वो स्ट्रक्चर हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बन जाता है। और आप लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के ही स्ट्रक्चर्स अब फर्दर डिस्कस होंगे। अब कहीं पर भी प्लेन कंक्रीट के बारे में कोई भी चीज़ नहीं होगी, कोई भी चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी। अब ये जो स्टील की बार्स हम लोग लगाते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस जहाँ पर लग रहे होते हैं वहाँ पर, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ये टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर करने लगते हैं। इसके अलावा ये बीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देते हैं। जैसे बात की जाए, अगर जिस रूम पे आप लोग बैठे हुए हैं उस रूम पर कॉर्नर्स में देखिए, तो कॉर्नर्स पर जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस अपसाइड एंड डाउन साइड बहुत साइड पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं, क्योंकि रिवर्सल ऑफ लोड्स होता है, क्योंकि वो फिक्स्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पर ऊपर मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें एक कैंटिलीवर की, तो इसमें लोडिंग की वजह से जो जो इसका जो जो फॉर्म हो जाता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। जब ऐसा हो जाएगा तो सीधी बात है कि अगर एक क्रॉस सेक्शन आप लोग लेंगे ऐसा, ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस के अप साइड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये इधर साइड जो फाइबर हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं और नीचे साइड फाइबर क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स होगा। तो ऐसे सेक्शन पर इस तरीके की बीम के लिए जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, वो कहाँ पर दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा। क्योंकि हमें जो रेनफोर्समेंट देना होता है वो जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर देना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब
अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम लें और इस पे लोडिंग की वजह से इसका रिफ्लेक्टेड शेप देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब कि अगर ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो ऊपर साइड के जो फाइबर हैं वो क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, और नीचे साइड के जो फाइबर हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं। मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस हैं और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल फोर्सेस हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हमें रेनफोर्समेंट लगाना है तो हम लोग रेनफोर्समेंट लगाते हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। ठीक, तो ये चीज़, ये जो मैंने आपको बताया, ये डिसाइड करता है कि हमें रेनफोर्समेंट किस जगह पर लगानी है। अब अगर हमने रेनफोर्समेंट लगाया है तो ये वैसे तो इसका बेसिक जो वर्क है रेनफोर्समेंट लगाने का, वो सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस के साथ साथ जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है बीम की उसको भी बढ़ा देता है। और ये जो रेनफोर्समेंट जो यूज़ किया जाता है, इन्हें हम लोग मेन रेनफोर्समेंट या फिर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे तब आप लोगों को ये बात समझ में आने लगेगी कि जो चीज़ें, जो रेनफोर्समेंट भी कई तरीके का होता है, और जो हमसे बोला गया वो जो है मेन रेनफोर्समेंट के बारे में बात हो रही है। बहुत तरीके के रेनफोर्समेंट अभी आप लोग सीखेंगे। तो देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम्स। तो टाइप्स, जो हम लोग आरसीसी बीम्स यूज़ करते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर न्यूट्रल एक्सिस के, अगर सपोज़ ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ एक साइड में रेनफोर्समेंट दिया गया है, मतलब या तो ये या तो ऐसे, न्यूट्रल एक्सिस के किसी एक साइड पर रेनफोर्समेंट दिया गया है, तो इस तरीके की बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम्स बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम्स मतलब कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। और ये जो रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है ना, ये रेनफोर्समेंट जो आप लोगों को दिख रहा है, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए लगाया जाता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AST से, और ये टेंशन स्टील होती है। ठीक, तो जो चीज़ें मैंने अभी बोली वही चीज़ें देखिए आप इसको देख सकते हैं। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, द बीम्स इन विच स्टील रेनफोर्समेंट इज प्लेस्ड इन द टेंसाइल जोन ओनली और कॉल्ड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो आप लोगों को जाननी ली हैं। बी जो है वो है विथ ऑफ द सेक्शन बोलते हैं। कैपिटल डी जो है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल थिकनेस ऑफ द सेक्शन। और ये जो स्मॉल डी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ये जो स्मॉल डी है इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, 90% या 95% टाइम्स जो डेप्थ यूज़ की जाती है कैलकुलेशन में वो इफ़ेक्टिव डेप्थ होती है। ये जो कैपिटल डी है,
इसका यूज़ जो जो सेक्शन दिख रहा है उसकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही किया जाता है। ये जो स्मॉल डी है इसी का यूज़ पूरे समय कैलकुलेशन में होगा, ये आप लोग देखेंगे। तो ये जो इफ़ेक्टिव डेप्थ है इसके बारे में थोड़ा सा अभी और देख लेते हैं। देखिए इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है वो तो शुरुआत तो यही किया गया है इस जगह से एक्सट्रीम फाइबर से, लेकिन ये एंड कहाँ पर है? तो ये देखिए ये जो रेनफोर्समेंट दिख रहा है ना, इसी रेनफोर्समेंट के सेंटर से, मतलब रेनफोर्समेंट के सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग इफ़ेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट के दूसरी साइड ये जो डिस्टेंस बचती है इसे हम लोग इतना इतना ये जो डिस्टेंस बचा इसे हम लोग बोलते हैं इफ़ेक्टिव पैडिंग भी बोलते हैं इसको, इफ़ेक्टिव पैडिंग भी बोलते हैं, कभी कभी इसे इफ़ेक्टिव कवर भी बोलते हैं, इफ़ेक्टिव कवर। अभी जैसे हम लोग डिज़ाइनिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, लिमिट स्टेट की डिज़ाइनिंग वगैरह देखेंगे, तब इस इफ़ेक्टिव कवर के लिए काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इफ़ेक्टिव डेप्थ, ये होता है इफ़ेक्टिव कवर, टोटल डी होता है टोटल डेप्थ, एक और चीज़ होती है क्लियर कवर। क्लियर कवर देखिए क्या होता है, इफ़ेक्टिव कवर क्या होता है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो ये जो होती है ये होती है इफ़ेक्टिव कवर, लेकिन ये जहाँ से ये रेनफोर्समेंट ख़त्म है ये से ये फाइबर, ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग, ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर। ठीक, तो दो तरीके के कवर आप लोगों को मैंने बोले, क्लियर कवर और इफ़ेक्टिव कवर। क्लियर कवर क्या होता है, क्लियर कवर होता है जहाँ से रेनफोर्समेंट का एरिया ख़त्म है उस जगह से उसके पास का जो एक्सट्रीम फाइबर जो ख़त्म होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्लियर कवर बोलते हैं। और रेनफोर्समेंट के सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग इफ़ेक्टिव कवर बोलते हैं। ठीक, तो इफ़ेक्टिव कवर, क्लियर कवर, इफ़ेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ, थिकनेस ऑफ द मेंबर, ये सभी टर्म्स आपको आने चाहिए। ये जो फर्स्ट टाइप आप लोगों ने देखा ये क्या था, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम था। जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है डबली रेनफोर्स्ड बीम। डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है कि अगर हम लोग रेनफोर्समेंट को न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड प्रोवाइड करें, न्यूट्रल एक्सिस के अप साइड एंड न्यूट्रल एक्सिस के डाउन साइड दोनों साइड प्रोवाइड करें, तो इस तरीके की बीम को हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। अब दोनों साइड देने का मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस के टेंशन साइड पर तो बात समझ में आती है कि हमने वहाँ पर रेनफोर्समेंट क्यों दिया था, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो टेंशन फोर्सेस को बियर करने में या टेंशाइल स्ट्रेसेस को बियर करने में नहीं अच्छा था, इसलिए हमने वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए स्टील रेनफोर्समेंट को लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पर हमने कंप्रेशन जोन में क्यों रेनफोर्समेंट को क्यों लगाया? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात बोली कि जब कॉर्नर्स पे देखते हैं हम लोग सेक्शन पे, तो कॉर्नर्स पे ऊपर मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो है डाउन साइड पर तो मतलब देखिए जब आप लोग डबली रेनफोर्स सीखेंगे ना तब आप लोगों को ये बताया जाएगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए जान लीजिए जैसे ये बीम है
और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर ये जो मिडिल पार्ट है, यहाँ पर तो ज़रूरत है हमें, देखिए आप लोगों को अगर ध्यान हो तो, अगर फिक्स्ड बीम होता था, फिक्स्ड बीम होता था तो उसका जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो एंड मोमेंट का अलग और सिंपली सपोर्टेड का अलग बनता है। तो सिंपली सपोर्टेड का डायग्राम कुछ ऐसा बनता था और एंड मोमेंट के लिए कुछ ऐसे ट्रायंगली वेरिएट करता हुआ ऐसे भी बनता था, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता है कि एंड पे भी मोमेंट होते थे, ठीक है। तो जब एंड पे जो मोमेंट होते थे वो क्या आते थे, नॉर्मली निगेटिव मोमेंट आते थे, और सेंटर पे क्या आते थे, पॉजिटिव मोमेंट आते थे। जब आप लोगों ने, मैंने आपको फिक्स्ड बीम को सॉल्व करना सिखाया है तब मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक। तो इसलिए कॉर्नर्स पर जो है वो कभी टेंसाइल रेनफोर्समेंट, कभी टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं, कभी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते हैं, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लोडिंग पर। ये आप लोगों को जब मैंने फिक्स्ड बीम या कंटिन्यूस बीम को सॉल्व करना सिखाया है तब ये बातें आपको उसके रिजल्ट में देखने को मिली होंगी। तो जब ऐसा है कि एंड पर रेनफोर्समेंट पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। इसके अलावा रिवर्सल ऑफ लोडिंग का केस भी अगर होता है, मतलब कभी पॉजिटिव फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, नेगेटिव फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब कभी टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, कभी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ये चीज़ें डिसाइड नहीं होती हैं, तब हमें डबली रेनफोर्स्ड बीम की नेसेसिटी होती है। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम आपके सामने देखिए बना हुआ है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर साइड भी रेनफोर्समेंट देखिए दी गई है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे साइड भी रेनफोर्समेंट दी गई है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो रेनफोर्समेंट दी जाती है इसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन स्टील, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो रेनफोर्समेंट दी जाती है इसे हम लोग बोलते हैं टेंशन स्टील। ये सिंपली सपोर्टेड को बेस मानकर डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। जिस तरह ये टेंसाइल जो टेंशन स्टील है उसके लिए इफ़ेक्टिव कवर होता है, सेम इसी तरह कंप्रेशन स्टील के लिए भी इफ़ेक्टिव कवर होता है, ठीक। तो हमें, हम लोग सिंगली छोड़कर डबली क्यों बनाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया अभी, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोग सीखेंगे जब डबली की डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगी, तब आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हमें सिंगली डिज़ाइन करना है या डबली डिज़ाइन करना है, ठीक। तो ये चीज़ें आगे डिस्कस होंगी। तीसरा जो टाइप ऑफ बीम होता है, अच्छा ये जो अभी आप लोगों ने दो बीम का क्लासिफिकेशन जो सीखा वो था रेनफोर्समेंट की लोकेशन बेसिस पे। अगर न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट दिया गया है तो इसे हम लोग बोलते हैं टेंसाइल रेनफोर्समेंट, और इस तरीके की बीम को बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। और अगर न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड पर, यानी टेंसाइल जोन पर और कंप्रेसिव जोन पर रेनफोर्समेंट दोनों साइड प्रोवाइड की जाती है तो इस तरीके की स्टील को, इस तरीके की बीम को हम लोग बोलते हैं डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा बीम की लोकेशन पे ही डिपेंड है कि बीम की लोकेशन कहाँ पर है। जैसे जो रूफ़, अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के ऊपर देखिए तो आपको जो एक स्लैब दिख रही है, एक रूफ़ दिख रही है, जो छत हम लोग बोलते हैं ना, इस छत को हम लोग ऐसे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्लैब, SLAB, स्लैब। तो स्लैब जब स्लैब है तो आप लोगों ने अगर कभी घर बनते हुए देखा हो या कोई बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा
तो जब हम लोग स्लैब की कास्टिंग करते हैं, स्लैब की कास्टिंग का मतलब है स्लैब जब बनाई जाती है तो जब इसके लिए रेनफोर्समेंट डाला जाता है, तो कभी ध्यान से देखिए कि जो जो जगह जो जहाँ पर बीम आनी होती है उस जगह पर थोड़ा गड्ढा होता है, उसके अंदर रेनफोर्समेंट का जाल लगा होता है और बाकी प्लेन सरफेस के प्लेन थोड़ा ऊपर भी प्लेन भी जो रेनफोर्समेंट का एक पूरा जाल बनाया जाता है और फिर एक साथ कंक्रीटिंग की जाती है। काफ़ी लंबा टाइम लगता है कंक्रीटिंग होने में, ठीक। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बीम और स्लैब दोनों एक साथ कास्ट की जाती हैं, मतलब कि बीम और स्लैब एक साथ बनाई जाए, एक ही साथ, अलग अलग ना बनाई जाए, एक ही साथ उनको बना दिया जाए, तो सामने से अगर आप देखोगे तो सामने से देखने में तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये पूरा स्लैब का पोर्शन है, ये पूरा स्लैब है और ये बीम है, ये बीम है, लेकिन ये क्या है, एक साथ बनाई गई है, ये क्या है, एक साथ बनाई गई है। तो इस तरीके के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक। ये जो बात है ना, ये जो तरीका है, ये होता है मोनोलिथिक, ये होता है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि स्लैब और बीम ही एक साथ कास्ट होगा, कोई भी चीज़ें अगर एक साथ कास्ट की जाती हैं तो वो ट्रीट की जाती हैं, वो उन्हें हम लोग मोनोलिथिक मानते हैं, मतलब बीच में कोई जॉइंट नहीं होगा, वो सेम ये स्लैब का ही पार्ट है, ठीक, अगर ऐसा मानते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये पूरा स्लैब है और यहाँ पर क्या है, बीम है, ये ऐसे एक बीम है, फिर यहाँ पर ऐसे बीम है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ बना है तो देखिए अभी सिर्फ आप इतने इतने पार्ट पे ध्यान दीजिए, इतने पार्ट पे ध्यान दीजिए। तो ये जो सामने मैंने रेड कलर से आपका जो एक शेप है जो अलग से बना दिया, इस शेप को मैं आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये स्लैब है, और ये जो नीचे जो पार्ट आपको दिख रहा है और ये क्या है, ये बीम है, लेकिन स्लैब और बीम दोनों मोनोलिथिक है, एक साथ बनाई गई हैं। तो इनके एनालिसिस में हम इनको एक साथ ले लेते हैं, हम इसको अलग अलग मेंबर नहीं बनाते हैं। इस तरीके की बीम को हम लोग स्लैब का ही पार्ट मान लेते हैं, यानी अगर कभी डिफ्लेक्शन होता है बीम में, मतलब ये जो आपको सामने से दिख रहा है ये तो बीम का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, अगर ऐसे बीम है और इसमें कभी डिफ्लेक्शन होता है, ऐसे कुछ होता है, तो स्लैब भी इसी के साथ डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि दोनों की कास्टिंग सेम है, दोनों सेम मेंबर हैं, अलग अलग मेंबर नहीं हैं, तो इसलिए एक साथ जो है मेंबर डिफ्लेक्ट होगा, स्लैब और बीम एक साथ डिफ्लेक्ट होगा। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो ये जो बीम होता है, ये जो बीम आपको दिख रहा है, ये पूरा जो बीम आपको दिख रहा है, ये थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, नॉर्मल बीम से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसमें स्लैब जो है वो मोनोलिथिक है, एक साथ बनाया गया है दोनों को, तो देखने में जिस शेप का ये दिखता है उस बेसिस पे इसका नेम हम लोगों ने रखा हुआ है। जैसे कि ये जो शेप दिख रहा है ये आपको टी शेप दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टी बीम। और ये जो कैटेगरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं फ्लेंज्ड बीम बोलते हैं। ये जो मैंने मोनोलिथिक वाले जो स्पेशल कैटेगरी आपको बताई, ये कैटेगरी होती है फ्लेंज्ड बीम की कैटेगरी। फ्लेंज्ड बीम भी कई तरीके की होती है, जैसे कि जो सामने अभी जिस पे हमने कलर कर दिया रेड कलर, वो कैसा है, वो है टी बीम। ये मिडिल वाले जितने सेक्शन बनेंगे वो सब टी बीम के बनते हैं। तो अगर हम लोग अब दूसरे सेक्शन को देखें, मतलब इस सेक्शन को देखें, कॉर्नर वाली बीम को देखें,
तो कॉर्नर वाली बीम को देखें तो अभी भी ये क्या है, मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक है मतलब फ्लेंज जो है, इतना तक तो क्लियर है कि फ्लेंज्ड बीम है, लेकिन इसका शेप टी तो नहीं दिख रहा है। जो कॉर्नर्स पे जो बीम आएगी उसका शेप टी तो नहीं दिखता है, ये दिखता कैसा है, उल्टे एल की तरह दिखता है। तो इस तरीके की बीम को हम लोग बोलते हैं एल बीम। सेम इसी तरह देखिए, ये दूसरी कॉर्नर वाली ये जो बीम है ये भी एल बीम होगी। मतलब जब मोनोलिथिक कास्टिंग होती है तो कॉर्नर्स की जो दो बीम होती हैं वो बीम एल बीम की तरह डिज़ाइन होती हैं, और मिडिल वाली जितनी भी बीम्स होंगी वो सभी बीम टी बीम की तरह डिज़ाइन होंगी। जैसा देखिए ये छोटा सा जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें आपको दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों ने जो देखा वो क्या देखा कि स्टील की रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्टील जो रेनफोर्समेंट हम लोग लगाते हैं RCC में उसकी लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं, इसके अलावा टाइप्स RCC बीम जो हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करना सीखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आप लोग ये देखेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एजम्पशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।